को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे दो विकल्प दिए, पहला फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार तो कुछ भी हो सकता है, कोई जंगली जानवर हो सकता है, जहरीले सांप हो सकते हैं, कोई भूखा राक्षस भी हो सकता है। इस डर की वजह से अपराधी ने फांसी पर लटकर मरना स्वीकार किया। उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है, उसे फांसी होने वाली थी। राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो अपराधी ने कहा, उस गुप्त दरवाजे के पीछे आखिर क्या है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, उस गुप्त दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले यह विकल्प देते हैं, लेकिन इस डर से कि उस पार क्या होगा, हर अपराधी ने फांसी ही चुना। निष्कर्ष, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम डर की वजह से कई मौकों से चूक जाते हैं, और यही डर हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। फिर चाहे वो डर असफलता का हो या कुछ खोने का या मृत्यु।